चाहे आदमी चाहे लावानी हो, कोई भी हो, अल्लाह का कानून है। दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं है जो 30 दिनों की लगातार नमाज बगैर कज़ा करे हुए वादा कर सके। दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी औरत भी है जिसकी कोई नमाज भी अदा नहीं हुई है, जिसने पूरे महीने बगैर कज़ा किए हुए नमाज अदा की है। अब तुम कहो वो खातून खोज है, तुम कहो कि वो नेकी खोज है, तुम कहो कि वो औरत खोज है, तो मैं आपको बताऊं जरा अपने हाथ धो के सुनो, वो खातून कोई और नहीं है, वो हसनैन की मां फातिमा है, वो खातून कोई और नहीं है, वो मौला कायनात की सोजा फातिमा है, वो खातून कोई और नहीं है, वो मुस्तफा की चचेरी बेटी जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया फातिमा पिता तुम मिली फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, कोई और खातून नहीं है, जन्नत की औरतों की संख्या फातिमा से ज्यादा है। पीछे वाला मैं तो ध्यान उधर ही है, लेकिन इसके बारे में साथ में सबका ना आ गया, मैं बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूँ जी माशाल्लाह। तो दुनिया में सिर्फ एक ऐसी हो रहा नबी हमारी तरह अबे काने लूले लंगड़े चेचक के दांत नबी की बेटी की तरह किसी के बाप की बेटी नहीं हो सकती। अबे जब नबी की बेटी का जवाब नहीं तो फिर साथ में मुस्तफा का क्या जवाब होगा। जिस तरह से अल्लाह ने मुस्तफा को सारी कायनात में सबसे स्पेशल बनाया है, इसी तरह मुस्तफा की बेटी फातिमा को भी अल्लाह ने स्पेशल बनाया है। कोई औरत नहीं, ये तो हसनैन करीमैन का घराना है। ऐसी फैमिली कहां से लाओगे जी, ऐसा खानदान कहां से लाओगे? समझ में आ रही है? सभ्यदार हो गए ना, सब जिंदे हो गए, तो सुनो जरा, इसी पे बात खत्म करूंगा, अपनी बात खत्म करने वाला हूं। सुनो, दुनिया के सारे डॉक्टर, अरे रुक तो जा यार, इधर सुनो, तमाम साइंटिस्ट साइंसदानों का कहना यह है अगर ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं हो सकता जी। डॉक्टर्स कहते हैं नो एमसी नो चाइल्ड, अगर हैस नहीं तो बच्चा नहीं, दुनिया का कानून यही है। तो चाहता हूं डॉक्टर ये कहते हैं नो एमसी नो चाइल्ड, अगर ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता। बच्चा पैदा होने के लिए, बच्चे की पैदाइश के लिए इस प्रॉब्लम का होना जरूरी है, इस हैस को खून का आना जरूरी है। अल्लाह अल्लाह, जब मैंने हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी को देखा, हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी का जब मुताला किया, उन्हें ये प्रॉब्लम ही नहीं है, उनके सिरों में इमाम हसन भी बने हैं, उनके सिरों में इमाम हुसैन भी बने हैं, उनके सिरों में हजरत सैयदा ज़ैनब भी बनी है। चैलेंज कर दिया, सारे साइंसदानों को चैलेंज कर दिया, तुम्हारा कायदा ये है नो एमसी नो चाइल्ड, अगर ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं हो सकता। मैंने कहा तुम फातिमा ज़हरा की जिंदगी को पढ़ के देखो, तुम खातून जन्नत की जिंदगी को पढ़ के देखो। डॉक्टर्स ने जब हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी पढ़ी तो पता यह चला हजरत फातिमा को ये प्रॉब्लम भी नहीं है, हजरत फातिमा के सिरों में इमाम हसन भी बोले, इमाम हुसैन भी बोले, हजरत सैयद ज़ैनब भी बोली। मैंने कहा हमारे पास जवाब नहीं है, हमारी पगड़ियां नीचे आ गई, संस्थानों में हमारे कलम नम लगे। मैंने कहा लोगों को जवाब ये मिला कि अल्लाह ने जिस तरह से मुस्तफा को स्पेशल बनाया है, इसी तरह से अल्लाह ने अपनी बेटी को स्पेशल बनाया है। बात खत्म करने वालों से करीब आओ, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह हू अकबर, अगर ये
प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन फार्मर्स रहना है जिन्हें ये प्रॉब्लम भी नहीं, उनके शिकम में बच्चे भी पले। और एक बात और बताऊं, हालत हमर में जब प्रेगनेंसी होती है तो जो खून मंथली औरत को अल्लाह की कुदरत की तरफ से आरिज होता है वो हालत हमर में खून रोक दिया जाता है। अल्लाह का कुरान कहता है चाहे अल्लाह का प्रधान बन जाए, चाहे इलाके का विधायक बन जाए, चाहे जमीन पकड़ कर चलता हो, चाहे कर्तन उठा के चलता हो, अल्लाह का कुरान कहता है इस जमीन पर अगर चलने वाले अपनी तकलीफ में भी तो गौर करके तूने माँ के पेट में खाया क्या है, माँ के पेट में तेरी गिजा क्या है। तो जो खून मंथली औरत को आता है वही ब्लड रोक दिया जाता है और वही ब्लड माँ के शिकम में बच्चे की गिजा बनता है, बच्चे की गिजा बनती है और उसी गिजा से बच्चा नशो नुमा पाता है। अब जरा तुम्हें करीब लाना चाहता हूँ, अल्लाह मैंने आका हसन, मैंने आका इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज की, ए आका इमाम हसन, ए आका इमाम हुसैन, ये तो बताओ दुनिया के सारे बच्चे माँ के पेट में वो खून खाते हैं तब उनकी परवरिश होती है, बच्चों की नशो नुमा होती है, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारी माँ को तो ये प्रॉब्लम थी नहीं, तुम्हारी माँ को ये परेशानी थी नहीं, तुमने अपनी माँ के पेट में क्या खाया।